शंकराचार्य इसके खिलाफ है। नहीं तो आखिर उनके उन लोगों ने उनके पीछे की कोई वजह भी तो होनी चाहिए कि आखिर वो पूरे देश को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। ऐसे में वो लोग भी इन दिनों चर्चाओं में हैं जिनका किसी न किसी तरह से अयोध्या के इतिहास में नाम दर्ज है। उन अनेकों नामों में से एक नाम बजरंग दल के संस्थापक और बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार का भी है। राम मंदिर से जुड़े कुछ सवाल जब संपादक कुमार अभिषेक ने पूछे तो बीच इंटरव्यू में उठकर चल दिए विनय कटियार। आप खुद देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि ये तो पॉलिटिकल इवेंट है, ये तो पूरी तरीके से राजनीति है। पॉलिटिकल घर में पैदा हुआ है और ऐसे पॉलिटिकल घर में पैदा हुआ है जहां उसका कोई वर्चस्व नहीं रहा है, ऐसे घर में पैदा हुआ। आधा हिंदू है आधा ईसाई है। धन्यवाद। मेरे कुछ और सवाल हैं। आप अब मेरे सवाल को तो छोड़ के मत जाइए, दो चार सवाल और ले लीजिए। विनय जी आज चलिए, तो विनय कटियार जी ज्यादा सवालों के जवाब देने के बोर्ड में। संपादक कुमार अभिषेक ने जब राहुल गांधी से जुड़ा सवाल पूछा तो राहुल गांधी को आधा हिंदू और आधा ईसाई बोलते हुए इंटरव्यू में उठकर चल दिए विनय कटियार। अब आप देखिए पूरी बातचीत। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और सभी लोग जो कि मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे सभी को बुलाया गया है। विनय कटियार जो कि अयोध्या में ही रहते हैं इन्हें भी निमंत्रण मिल चुका है। अभी इस वक्त हम विनय कटियार जी के साथ हैं और जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा से लेकर आंदोलन तक की बातें। सर स्वागत है आपका। आपको निमंत्रण मिला, जितने उस वक्त के लोग थे जो इस आंदोलन में थे सभी को निमंत्रण मिला, यहाँ तक कि जिन जो कार सेवक जिन्हें गोलियां लगी जो मरे उनके परिवार को भी निमंत्रण मिला है, आप कैसे इस पूरे आयोजन को देख रहे हैं? गीता और सौर का ही आंदोलन है लेकिन अब वो भक्ति के रूप में भगवान राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर भव्य दिव्य बन करके तैयार है। थोड़ा बाकी है वो भी हो जाएगा तो उसी को देखना है। आप लोगों को उम्मीद थी कि इस तरीके का आयोजन होगा और इस तरीके का इतनी जल्दी ये राम मंदिर बन जाएगा इस तरीके से? पूरी उम्मीद थी, बनाने की उम्मीद थी, बन गया और जल्दी बन गया। नहीं हम लोग सोच रहे थे और समय लगेगा। कारीगरों को धन्यवाद, बढ़िया बनाए। जब ये आंदोलन चल रहा था तब जो बड़े चेहरे थे जो सबसे चर्चित चेहरे थे उसमें आपका भी नाम था, आप सबसे अगुआ लोगों में उस वक्त के रहे जिन्होंने इस राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका दी। ये जब मंदिर बन करके तैयार होगा आपको क्या लगता है कि ये जो मंदिर है अगर जो कार सेवक हैं आप जैसे लोग हैं ये किसे समर्पित होगा? देश की जनता को समर्पित है, उसके लिए हमें दर्शन करें। लेकिन इसके साथ विवाद भी जुड़ रहे हैं और विवाद ये है कि कई शंकराचार्य इसके खिलाफ हैं। शंकराचार्य की बात है, हाँ ला दिए शंकराचार्य को, ट्रस्ट खराब कर दिया। क्यों शंकराचार्य विरोध करते हैं इसलिए उनकी बात नहीं सुना जाए। अभी जाएंगे मिलेंगे तो प्यार से बात करेंगे, बाकी बयान दे देंगे। नहीं तो आखिर उनके उन लोगों ने उनके पीछे की कोई वजह भी तो होनी चाहिए कि आखिर वो मुझे नहीं मालूम, वजह वही बताएंगे उन्हीं से पूछना। तो क्या साधुओं में आपस में मतैक्य नहीं है, एक मत नहीं है साधु इसको लेकर के? तो साधु लोग जाने, साधुओं की माया है वही जाने, उनकी माया को कोई जान नहीं सकता। तो संत है उनकी माया को जान के क्या करना। नहीं लगता नहीं कि इतने बड़े आयोजन में जो आपने शब्द कहा कि टेस्ट खराब हो गया, सचमुच अगर शंकराचार्य इस तरीके से बातें कहने लगे तो ये विघ्न जैसा नहीं है? नहीं अब शंकराचार्य जी को मन की बात है, अपना कह रहे हैं तो उसका वाद विवाद क्यों करना। लेकिन एक बात कहा जा रहा है बार बार कि अधूरे मंदिर में
ये मूर्ति का प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, कांग्रेस पार्टी ने यही कह के आने से मना कर दिया है। कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद है, उस दुनिया कौन पूजा करती है? तो कांग्रेस उम्मीद से प्रेरणा लेती है ना, तो वो तो जल्दी आने वाले नहीं। हाँ, उसमें कांग्रेस से बहुत भक्त है, वो आएंगे बिना डेबिट के आएंगे, आएंगे दर्शन करेंगे, वो काम कर रहे हैं। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, बेशक गर्भगृह बनकर के तैयार है, मंदिर पूरा नहीं हुआ है, चूंकि आप संतों के साथ भी इतने वक्त तक रहे हैं, तो इसका कोई अधूरे मंदिर की जो बात हो रही है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा लगभग बनकर के तैयार है, शिखर में थोड़ी सी अभी काम बाकी है, पत्थर है, पत्थर का मंदिर बन रहा है, उसकी कढ़ाई करना पड़ती है, नक्काशी करना पड़ती है, तो समझ पड़ती है। विपक्ष का कोई नेता अभी तक किसी ने सहमति नहीं दी है कि वो आएंगे? नेता को अभी बुलाया नहीं है, हम जानते हैं कि ये लोग नहीं आने वाले। क्यों? और जो आने वाले हैं वो आएंगे, विपक्ष के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो आखिर एक तरीके का ये बॉयकॉट जैसा है विपक्ष का? नहीं, कोई बॉयकॉट नहीं विपक्ष का है, उसमें से सब आ रहे हैं, अधिकांश लोग आ रहे हैं, सब राम भक्त हैं, आएंगे, वो अपना अपना लेवल नहीं लगाएंगे, सब आएंगे, दर्शन करेंगे, सब सम्मिलित हो गए इसमें, हैदराबाद के ही लोग सम्मिलित हो गए। कांग्रेस के बड़े नेता तो भले मना कर दें जिनको आमंत्रण गया है, लेकिन फैजाबाद के जो कांग्रेस के नेता हैं, निर्मल खत्री, इनका भी मैंने बयान देखा, वो आ रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो इस वक्त जो विपक्ष का गठबंधन है, वहां बैठाने की इतनी जगह नहीं है बैठाने की, जो उनको एक साथ बुलाना है, वो उपद्रवी सेना है, उसको नहीं बुलाना। विपक्ष उपद्रवी सेना है? कांग्रेस क्या कहें उसको, उपद्रवी सेना है, नए लोग जो हैं वो अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। नए लोग में कौन? बहुत लोग हैं सब, उनका क्या नाम भी जाना, सब आ रहे हैं, पूरी कांग्रेस की फौज आ रही है। कांग्रेस की फौज आ रही है? हाँ, उसमें बड़े लोग नहीं आ रहे होंगे तो हमको नहीं मालूम है, किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं आएंगे, तो इसलिए हम कैसे मान लें कि वो नहीं आएंगे, आगे पीछे आएंगे, सब आएंगे, सब मंदिर को देखेंगे, दर्शन करेंगे। नहीं, आगे पीछे तो सब आएंगे, जैसे यहाँ तक कि अखिलेश जी ने भी कहा है कि हम भी आएंगे और अपने परिवार के साथ दर्शन करने आएंगे, तो ये अच्छी बात है, उस दिन आ रहे हैं। नहीं, इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोगों ने तो या यूं कहें लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। यहाँ कांग्रेस के लोग आए थे स्नान करने और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे झंडे लेकर के, उनके झंडे छीन लिए, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। किसी को झंडा झंडा बना करके अभी भी आना, शरीर में स्नान करें, झंडों को पवित्र करें, काम करें, हम क्या बना करते हैं, इतनी चौड़ी सड़क बनी है, बनवा दी है मोदी जी ने, सत्र बढ़िया चौड़ी बना दी, फोर लाइन कर दी, चले आओ, तो हमें ना किसने मना किया, आप जाकर के फोटो लो, उनका इंटरव्यू लो, सब काम करो ना। नहीं, ये कहा यह जा रहा है कि चुनावी फायदे के लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं, 2024 में चुनाव है और अब इसका फायदा किसी राज्य में चलते ही रहता है, हमेशा चुनाव चलता है, लोकसभा का चुनाव है ना 24, लोकसभा के चुनाव भी है, क्या होगा चुनाव, चुनाव में हार जीत इसका होता है चुनाव, लेकिन देश की प्रतिष्ठा के साथ तो नहीं होता है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के साथ होता है, पार्टी पार्टियों का आधार पर चुनाव होता है। आपको लगता है कि ये जो चुनाव है 2024 का चुनाव है, ये जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, मुझे लगता है सदियों में का सबसे बड़ा आयोजन है, इसका फायदा भी मिलेगा आपकी पार्टी को? हम फायदा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, फायदा मिलेगा, कोई काम नहीं कर रहे उसके लिए,
राहुल गांधी ने कहा कि ये तो पॉलिटिकल इवेंट है, ये तो पूरी तरीके से राजनीति है, पॉलिटिकल घर में पैदा हुआ है और ऐसे पॉलिटिकल घर में पैदा हुआ है जहां उसका कोई वर्चस्व नहीं रहा है, ऐसे घर में पैदा हुआ, आधा हिंदू है आधा ईसाई है। धन्यवाद। मुझे कुछ और सवाल हैं, आप अब मेरे सवाल को तो छोड़ के मत जाइए, दो चार सवाल और ले लीजिए विनय जी। आज चलिए तो विनय कटियार जी ज्यादा सवालों के जवाब देने के मूड में इस वक्त नहीं है। अयोध्या से यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।